ओके सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से कंफर्म तत्काल टिकट बुक करके दिखाने वाला हूं। तो काफ़ी लोग IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से कंफर्म तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 2020 में IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को काफ़ी ज़्यादा अपडेट कर दिया गया है। तो सिंपल आप लोगों को करना क्या है, IRCTC रेल कनेक्ट को आपको ओपन करना है। यदि आपने प्ले स्टोर से अभी तक अपडेट नहीं किए हैं तो IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को अपडेट कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 10:59 हो रहा है, हमें स्लीपर का टिकट बुक करना है। तो फटाफट सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लोग जब भी आप स्लीपर या फिर AC टिकट बुक करेंगे तो आप लोगों को 1 मिनट पहले आप लोगों को लॉगिन कर लेना है। तो मेरे को फटाफट यहाँ पर लॉगिन करने का, ओके 10:59 हो चुका है। तो आप देख सकते हैं 11 बज गया और मैंने यहाँ पे फाइनली लॉगिन कर दिया। तो आप लोग यहाँ 10 से 15 सेकंड पहले ही लॉगिन कर लेना है, क्योंकि मैंने सिंपल आपको प्लान वाइज होने पर क्लिक करना है। इसके बाद फॉर्म स्टेशन और टू स्टेशन हमको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे कोटा क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे तत्काल या प्रीमियम तत्काल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सर ट्रेन पे क्लिक करना है। आपको सर ट्रेन पर 11:04 से 5 सेकंड पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद जिस ट्रेन में आपको टिकट बुक करना है सिंपल आपको क्लिक करना है। तो मैंने बिहार संपर्क क्रांति में क्लिक करना है, बुक करना है, तो मैं क्लिक किया हूँ। देख सकते हैं आप 120 सीट अवेलेबल भी है। पैसेंजर डिटेल पर क्लिक करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको मास्टर लिस्ट में पहले से ही नाम सेव करके रख लेना है पैसेंजर डिटेल का। सेलेक्ट पैसेंजर पे क्लिक करना है। इसके आपको जो भी आपने नाम फिल कर रखा है वो आपको चेक करना है। बुक टिकट ओनली कंफर्म बट अलाउड कर सकते हैं। इसके बाद जहाँ जाना हो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरे को दिल्ली जाना है तो दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट लाइन में, सॉरी। इसके बाद सेकेंड लाइन में आपको थर्ड फोर्थ लाइन में आप लोगों को एरिया पिन कोड डालना, तो फटाफट डाल लेता। इसके बाद आप लोगों को पोस्ट ऑफिस भी सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर सिंपल आपको इंश्योरेंस सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद रिव्यू जोनी डिटेल पे क्लिक करना है। देख सकते हैं 11:01 हो चुका है, लेकिन आप लोगों को ये प्रोसेस फटाफट करना है, क्योंकि आपको 30 से 40 सेकेंड तक में इस पेज पर आपको आ जाना है। क्योंकि मैंने यहाँ पर लॉग इन करने में ही काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया था, 15 से 20 सेकेंड, इसलिए हमें जो मैं लेट हो चुका हूँ। इसके बाद देख सकते हैं बुक टिकट के प्लीज वेट का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर काफ़ी टाइम लग जाता है प्रोसेस में। यहाँ पर देख सकते फाइनली हम सिक्स पे आ चुके हैं। सिंपल हमें एक कैप्चर फिल करना पड़ेगा, तब देखते हैं हमें नेक्स्ट पेज पे कब आते हैं। हम यहाँ को यहाँ पे वेट करना होगा। तो सिंपल आप देख सकते हैं मैं नेक्स्ट पेज पे आ चुका हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे आपको 8 सीट फिलहाल में भी बचा हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं आने में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, यानी कि प्रीमियम तत्काल में भी टिकट खत्म हो जा रहा है। ज़्यादातर जो टिकट का बुकिंग जो होता है इन सब ट्रेनों का सॉफ्टवेयर से ही बुक होता है, जो कि एक इनलीगल सॉफ्टवेयर होता है, जिससे कि लोग काफ़ी लोग इजली तरीके से बुक कर लेते हैं। आप देख सकते 11:02 हो गया, फाइनली हम पेमेंट ऑप्शन पे आ चुके थे। यहाँ से आपको पेमेंट ऑप्शन की बात किया जाए तो आप लोग यहाँ पे पेटीएम या फिर फ़ोनपे सेलेक्ट करना है और आपको पेमेंट करना है। आप लोग इजली तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से। तो आप देख सकते हैं आपको 2 टिकट का किराया यहाँ पे 3288 रुपये चला गया, यानी कि 1 टिकट का 1600+ हो गया, यानी कि प्रीमियम तत्काल में टिकट का किराया काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जबकि नॉर्मल आपको 600 से 650 के आसपास का होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। जब भी आप किसी भी हार्ड रूट में यदि टिकट बुक करते हैं तो कोशिश कीजिए आप लोग नॉर्मल यानी कि तत्काल कोटा में टिकट बुक करें, नहीं तो प्रीमियम तत्काल के कोटा में यदि बुक करते हैं टिकट का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है।